श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय 4। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय है। महर्षि व्यास का असंतोष। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या व्योवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक जी बोले, सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री शुकदेव जी ने कही थी, वही भगवान की पुण्यमय कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर श्री कृष्ण व पायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र शुकदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूर से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे शुकदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन किए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। कुरुजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडवंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी शुकदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई? महाभाग श्री शुकदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं, जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे? शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्तेज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था, उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है, वह सब कृपा करके हमें कहिए। सूत जी कहते हैं, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगिराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन
और शक्तिरहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के चार विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋग, यजुः, साम और अथर्व इन चार वेदों का उद्धार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को पांचवा वेद कहा जाता है। उनमें से ऋग्वेद के पैल सामगान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्व वेद में प्रवीण हुए दरुणनंदन सुमंतु मुनि। इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य, प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गईं। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेदव्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सके। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनकादि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। उन्हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुँचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधि पूर्वक पूजा की।